DPS Senior Secondary School Tabiji लेकर आए हैं online classes from pre-nursery to class 12th. 50% discount on girls fees. Online admission open. Visit dpsajmer.in. कोरोना महामारी की दहशत आम आदमी में इस कदर समा गई है कि अब अगर पड़ोसी के घर में एक शख्स भी कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो पूरा परिवार चिंता में पड़ जाता है और पड़ोसी से ऐसी दूरी बनाने लग जाता है जैसे उस कोरोना पीड़ित परिवार ने कोई गुनाह कर दिया हो। हम ऐसी तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर ये भी देखनी चाहिए। ये गेगल अजमेर से एक फैक्ट्री है जहाँ से अब से कुछ दिन पहले एक कर्मचारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, लेकिन वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों ने अपने साथी का मनोबल कुछ इस तरीके से बढ़ाया कि कर्मचारियों ने कोरोना मरीज के लिए तालियां बजाकर उसके जल्द ठीक होकर वापस काम पर लौटने की कामना की है और कोरोना मरीज में आत्मविश्वास भरने की यह पहल शुरू की है अजमेर के युवा गौरव मित्तल ने। गौरव कोरोना महामारी में आधे से ज़्यादा अजमेर शहर को सैनिटाइज करवा चुके हैं। चलिए पहले तो आप इस तस्वीर को देखिए और फैक्ट्री मालिक और गौरव को सुनिए, फिर आपको बताता हूँ कि आखिरकार राजस्थान सरकार कोरोना मरीजों को कैसा खाना दे रही है। आएगा हम तुम्हारे साथ हैं, राकेश ठीक हो गए, आएगा हम तुम्हारे साथ हैं, राकेश ठीक हो आएगा, तू बिल्कुल ठीक आएगा भाई, राकेश ठीक आएगा, हम तुम्हारे साथ हैं। सेठ जी अपने भगवान जैसे हैं, सेठ जी है और अपने को सबको बहुत अच्छी तरह से रखते हैं। जब हमने फैक्ट्री शुरू करने की सोची तो हमारे फैमिली मित्र राजेंद्र जी कमांडो, उन्होंने सुझाव दिया कि क्यों ना अपन सभी कर्मचारियों का कंपनी शुरू होने से पहले कोरोना टेस्ट करवा लें। तो हमने प्रशासन से अप्रोच किया, उन्होंने पूरे सहयोग करते हुए अपनी पूरी मेडिकल टीम हमारे फैक्ट्री परिसर में भिजवा दी, जिन्होंने 121 कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट किया। उस 121 कर्मचारियों में एक कर्मचारी पॉजिटिव पाया गया, जिसको हमने पूरा हौसला अफजाई करते हुए तालियां बजाते हुए फैक्ट्री परिसर से एम्बुलेंस तक छोड़ा और उसको पूरा आश्वासन दिया कि तू बिल्कुल ठीक होके आएगा, हम तेरे साथ हैं। देखिए पिछले लगभग 40 दिन हो गए हैं शहीद भगत सिंह नौजवान सभा को सैनिटाइज करवाते हुए अजमेर को, अजमेर के आसपास के इलाकों को। अजमेर के आसपास के इलाके में दौराई हो गया, चंद्रवरदाई नगर हो गया और किशनगढ़ हो गया, आपके गेगल हो गया, सभी थाना क्षेत्र, अजमेर के थाना क्षेत्र, पुलिस लाइन, आपके मंदिर, मस्जिद, दरगाह शरीफ को भी सोडियम हाइपोक्लोराइड की छिड़काव किया गया जियोन टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से। व हमारे को इसमें सहयोग मिला जो हिंदुस्तान जिंक व सरकारी प्रशासन द्वारा, सिविल डिफेंस की भी गाड़ी हमारे को दी गई। साथ ही साथ अजमेर में हमने CMHO साहब को सोडियम हाइपोक्लोराइड दिया लगभग 2,500 लीटर के आसपास। फिर हमने JLN के अंदर, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के अंदर, लगभग 2,000 लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड दिया। ऐसे करके पुलिस ट्रेनिंग PTS के अंदर किशनगढ़ में उनको हमने सोडियम हाइपोक्लोराइड दिया, रेलवे के अंदर हमने सोडियम हाइपोक्लोराइड दिया है और जहाँ पे बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती थी वहाँ पे हमने लोगों के घर में छोटी मशीन से सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाया। साथ ही साथ जिन गलियाँ बिल्कुल छकड़ी गलियाँ हैं उनके अंदर हमने घर वालों को सोडियम हाइपोक्लोराइड प्योर प्रोवाइड कराया, जिससे वो अपने घर में स्वयं के स्तर पे छिड़काव कर लें। और साथ ही साथ अभी तक हमने लगभग 3,00,000 लीटर का छिड़काव अजमेर ज़िले के अंदर करवा दिया है सोडियम हाइपोक्लोराइड का, और लगभग साथ ही साथ 50,000 लीटर हमने अभी तक सरकारी संस्थाओं को, सरकार को व जितने NGOs हैं, जितने प्राइवेट डिपार्टमेंट्स हैं, स्कूल, कॉलेज, पुलिस थाना, पुलिस, आपका कलेक्ट्रेट, ये सबको हमने सोडियम हाइपोक्लोराइड फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। और साथ ही साथ अभी तक हमने JLN के अंदर व एडमिनिस्ट्रेशन को, कलेक्टर साहब को, DM साहब को, हमने 200 PPE किट भी उपलब्ध कराए हैं। साथ ही साथ हमने इसके अंदर मास्क भी दिए हैं गवर्नमेंट को। हमने लगभग 200 ml की स्प्रिट से जो हमने घर के अंदर सैनिटाइज बनाया वो भी निशुल्क वितरित किया है। और साथ ही साथ खाने की भी व्यवस्था
हमारी संस्थान शहीद भगत सिंह नौजवान सभा द्वारा जो ये कार्य किए जा रहा है पिछले 40 दिन से, साथ ही साथ आज एक और चीज़ बताना चाहूँगा, आज हमने वापस पुनः इस कार्यक्रम को सैनिटाइज को चालू कराया, जो आज हमने किशनगढ़ मार्बल मंडी के अंदर एक बहुत ही बड़ी संस्थान है एशिया की सबसे बड़ी, उसको हमने सैनिटाइज कराया है, और वो भी इसलिए क्योंकि वहाँ पे कल से काम चालू होता, इसलिए हमने ये सारी चीज़ें करी हैं। मेरा नाम गौरव मित्तल है, शहीद भगत सिंह नौजवान सभा का सदस्य। तो देखा आपने, कोरोना मरीजों को ऐसे ही आत्मविश्वास की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना का भय इतना हो चुका है कि अजमेर के जेलेन अस्पताल में एक शख्स को संदिग्ध मानकर जांच के लिए भर्ती किया गया था, लेकिन उस शख्स ने अस्पताल में ही आत्महत्या कर ली, और जब उसकी रिपोर्ट आई तो पता चला वो कोरोना नेगेटिव था। इसलिए ज़रूरी है कोरोना से बचाव पर जागरूक होने की, ना कि कोरोना मरीजों से भयभीत होकर भेदभाव करने की। खैर, अब एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, ये अजमेर के जेलेन अस्पताल का कोविड वार्ड है, जहां से एक मरीज ने वीडियो बनाकर राजस्थान सरकार की व्यवस्थाओं और इलाज का धन्यवाद किया है। वीडियो में मरीज बता रहा है कि उसे यहां पैकेट पीने का पैक जो फूड है वो मिलता है और पीने का पानी मिलता है, जिसमें दाल सब्जी चावल और चपाती शामिल है। ये वीडियो हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि लोगों के मन से कोरोना वार्ड को लेकर जो भय उनमें डर बना हुआ है वो दूर हो जाए, क्योंकि राजस्थान सरकार और चिकित्सक मरीजों के इलाज के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। तो चलिए आप देखिए ये एक्सक्लूसिव वीडियो। मेरा नाम राकेश है, मैं कोरोना पॉजिटिव शनिवार को पाया गया, यहाँ मेरे को जेल में लाया गया है और जेल में अस्पताल में भर्ती कराया है, ये मेरे को खाना मिल गया। अच्छा खाना है और पानी की बोतल सील पैक मिलती है, हाँ पानी की बोतल सील पैक और अच्छा खाना मिलता है। ये मेरे साथी हैं और मैं ये साथियों के साथ जैसे घर जैसे रह रहा हूँ, कंपनी की जैसे और काके बाजार जैसे सेठ की दुआ से आज मेरे को यहाँ पे अच्छी व्यवस्था मिल रही है और यहाँ प्रशासन की तरफ से बढ़िया इलाज चल रहा है मेरा, प्रशासन के हिसाब से बढ़िया इलाज चल रहा है, डॉक्टरों को पानी खाने के लिए खाना अच्छा मिल रहा है, पीने का पानी पैकिंग सील बोतल आती है पैकिंग सील, ताकि वैसा जैसे सेठ जी के सहयोग से मेरे को बहुत अच्छा रह रहा हूँ, जैसे काके वैसा की फैक्ट्री में रहता वैसे यहाँ रह रहा हूँ वार्ड में, वैसे फैक्ट्री में जैसे कोरोना वार्ड में जैसे मेरे को ऐसे महसूस हो रहा है कि मैं घर पर रह रहा हूँ और यहाँ पे काके वैसा की फैक्ट्री जैसे रह रहा हूँ।